डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के तहत ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित पाली में बनाए जा रहे रेल फ्लाईओवर पर सफलतापूर्वक सबसे लंबा गार्डर रखा गया। इस भारी भरकम गार्डर को रखने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर रेल फ्लाईओवर बन रहा है। ये बेसिकली दिल्ली से आने वाली जो ट्रेनें हमारी हावड़ा की तरफ जा रही हैं, वो बिना किसी सरफेस क्रॉसिंग के, बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के इस ब्रिज से, डाउन लाइन से दूसरे यार्ड में जा सकती हैं। ये रेल फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है और रेलवे के ऊपर जो इसका स्पैन है, जो आज हम रख रहे हैं, ये 76 मीटर का है। इस 76 मीटर के स्पैन का जो वजन है लगभग 500 मेट्रिक टन है और इसको हम कैंटिलीवर मेथड से आज लॉन्च कर रहे हैं। कैंटिलीवर मेथड में इसका जो कैंटिलीवर है वो 73 मीटर का है, जो कि DFC के लिए पहली बार लॉन्च हो रहा है। पुराना रिकॉर्ड हमारा 66 मीटर का था, तो आज हम 73 मीटर का कैंटिलीवर मेथड से लॉन्च कर उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स परियोजना का कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे अर्थव्यवस्था को काफी गति मिलेगी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।